Welcome back, students. We were discussing chapter number four, Eating for Fitness. This is part two, and we will be discussing the poem, True or False and My Commitment. So, take out page number 16 of your textbook, which says, There is a wonderful poem given over here. I really love food, and that's a good thing. बिकॉज वेन एवर आई एम आई कैन ईट लाइक अ किंग देखो ये बड़ा फूडी इंसान है वो क्या बोलता है कि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है और जब भी मैं खाता हूँ किंग की तरह खाता हूँ आई ईट एवरी काइंड ऑफ फूड मतलब ऐसे छप्पन भोग जैसा खाता हूँ एट मैकडोनल्ड्स आई पिकडअ अथ रेज इन सन्नट्स आई वॉन्ट इट टू ग्रोन वेन द चाइल्ड वेन टू मैकडोनल्ड्स ही परचेस्ड अ कौन कौन मतलब कि नॉर्मली कौन वाली तो हम आइसक्रीम खाते हैं जिसमें रेजिन्स थे मतलब कि कश्मश थी जिसमें नट्स थे एंड ये सब खाना खाने के बाद इतने सारे रेजिन्स और नट्स खाने के बाद मुझ में इतनी एनर्जी आ गई कि मैं तो ग्रोन करने लगा मतलब कि ऐसे जंगली एनिमल की तरह शेर की तरह दहाड़ने लगा Old navy had t-shirts and also had candy. It was right at the counter, which made it so handy. देखो ये जो यूनिफॉर्म वाला जो भी इंसान था और या फिर यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है बट इसको आप काउंटर पे जो इंसान होता है वो भी आप कह सकते हो या फिर एक ऐसा काउंटर टेबल होता है वो भी कह सकते हो जहाँ पर बहुत सारी कैंडीज टॉफीज थी एंड इट वॉज़ राइट एट द काउंटर मतलब कि जहाँ पर पैसे पे करने जाते हैं वहीं पर ये था सो इट मेड इट सो हैंडी एक्चुअली ये सारे मैकडोनल्ड्स वाले या जो भी दुकान वाले होते हैं ना वो जान बूझ कर जो काउंटर होता है ना वहीं पर ये कैंडीज़ टॉफ़ीज़ लगाते हैं सो दैट आपके जैसे बच्चे जो होते हैं वो मम्मी से ज़िद करके वो कैंडीज़ वो टॉफ़ीस लेते ही है बेड बाथ एंड बी ऑन हैड द बेड स्कर्ट्स विथ प्लीट्स इट ऑल्सो हैड ऊडल्स एंड ऊडल्स ऑफ ट्रीट देखो यहाँ पर जो है वो एक सुपर मार्केट का सिचुएशन जो है वो बच्चा बता रहा है कि वहाँ पर एकदम ऐसे हेम्पर जैसे थे ऊडल्स ऑफ ट्रीट मतलब कि मुँह में पानी आ जाए ऐसी सारी चीज़ें ऐसे सजा के रखी हुई थी आई रैन इंटू स्टेपल्स आई नीडेड सम पेन्स दैट मेक चॉकलेट बार आई शेयर इट विथ माई फ्रेंड्स देखो अभी उस बच्चे को चाहिए थी पेंस नॉर्मली वॉट वी डू इज इफ वी वॉन्ट टू हैव चॉकलेट बार तो हम मम्मी को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं मम्मी वो मेरी काम की चीज़ रह गई ठीक है सो हियर ऑल्सो द चाइल्ड इज ट्राइंग टू प्ले अ ट्रिक वट ही इज से मैं तो वापस गया वहां पर क्योंकि मुझे कुछ पेन्स चाहिए थी बट देन मेरी नज़र तो उस चॉकलेट बार पे थी सो एंड नाउ द चाइल्ड इज के आई विल शेयर इट विथ माई फ्रेंड्स ऑल्सो सो दिस इज अ गुड थिंग दैट इवन इफ यू टेक चॉकलेट बार इवन इफ यू बाय एनी चॉकलेट बार यू शुड शेयर विथ योर फ्रेंड्स विथ योर सिस्टर्स विद योर ब्रदर्स विथ योर कजेंस बॉय इज प्लेंग सॉकर आई एम वॉचिंग द गेम द नेक्स्ट थिंग आई नो द आइसक्रीम ट्रक देखो ना वन बॉय इज प्लेइंग सॉकर सॉकर मतलब के फुटबॉल वेर इज आई एम द वन हुचिंग द गेम या तो वो बच्चा टीवी देख रहा होगा या फिर वो खिड़की में खड़े रहकर दूसरे बच्चे को देख रहा होगा एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो द आइसक्रीम ट्रक गेम बट जैसे ही वो गेम के बारे में बच्चा वो सोचने लगा या देखने लगा वहीं पर वो आइसक्रीम लेकर आने वाला आइसक्रीम मैन अब उसकी गली में आया मे बी दिस इज द रीजन वाई माई पैंस आर टू टाइट वेर एवर राइट देर इज फूड इन माई साइड नाव द चाइल्ड इज कि अब मुझे समझ में आया कि मुझे मेरे सारी पैंट सारे कपड़े इतने टाइट क्यों होते हैं क्यों क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ तो मुझे सिर्फ खाना ही खाना नजर आता है अगर मैं सुपरमार्केट में जाता हूँ मुझे पेन खरीदनी होती है पर मेरी नजर तो चॉकलेट पे होती है इफ समी इज प्लेंग सॉकर मेरा ध्यान तो आइसक्रीम ट्रक पे होता है एंड बाई ईटिंग सो मच ऑफ फूड एवरी नाउ एन दन आई है अब मुझे मेरे कपड़े सारे टाइट होने लग गए सो आफ्टर रीडिंग दिस पोयम एंड आफ्टर हैविंग ए लुक एट द फूड पिरामिड फिटनेस के बारे में हमको क्या फॉलो करना है आई विल नॉट बैंग स्पून ऑन द प्लेट मैं प्लेट पे ऐसे 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 करके स्पून कभी भी हम ऐसे नहीं पछाड़ेंगे आई विल ऑलवेज आस्क फूड टू बी पास्ट इफ इट इज आउट ऑफ माई रीच इफ समथिंग इज वेरी फार फ्रॉम माई टेबल तो आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू पास इट और आस्क द पर्सन हुई इज सिटिंग नेक्स्ट टू दैट पर्टिकुलर फूड आइटम ठीक है मैं एकदम रूडली एकदम ऐसे बहुत जंगली की तरह उठ के आप या मैं कोई भी ऐसे फूड आइटम को लेने वहाँ पर नहीं जाएंगे वी विल आस्क इन अ पोलाइट मैनर विल यू प्लीज आस्क मी अ ग्लास ऑफ जूस अगर आपको जूस चाहिए तो ठीक है आई विल बी गिविंग यू हार्ड वर्ड्स एंड द मीनिंग आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस माई कमिटमेंट कॉलम में ये फिटनेस के बारे में आपको जो भी आइडिया आता है आप जो भी रेजोल्यूशन जो भी कमिटमेंट देना चाहते हो जो भी प्रोमिस करना चाहते हो आप अपने आप को सो ऑल दोज थिंग्स यू आर फ्री टू राइट हियर इन यूर ओन वर्ड्स

बट आपको उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करना चाहिए जंक फूड मतलब कि समोसा पानी पूरी, देन पिज्ज़ा बर्गर ये सब जंक फूड है देन कुरकुरे और जो, जो भी चिप्स आती है दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जंक फूड आप खाओ ठीक है कभी कभार खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आपको वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे येस एवरीबडी शुड ड्रिंक